सो फाइनली हमारा नाइट शिफ्ट कंप्लीट हो गया। अभी का टाइम हुआ है 7 AM। कभी किसी इंटर्नशिप स्टूडेंट को नींद पड़ती है 2-3 बजे, हम उसको तंग करने चलते हैं, हम उसको नींद करने नहीं देते और उसकी टाइमलेस खत्म हो चुकी है, वो सो के आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? 1 o'clock हुआ, 1 PM हुआ और अभी हमने ब्रेक लिया है और अब हमें फिर से जाना है ऊपर हॉस्पिटल, अपने में शिफ्ट पे फिर से चलना है। सो आज की रात तो ऐसी निकल जाएगी जैसे नाइट शिफ्ट होता है और सुबह 8 बजे हमें फिर जाना है। तो ब्रेक खत्म होगी, अब हम चलेंगे अंदर। ब्रेक करने के बाद सारे इंटर्नशिप स्टूडेंट अपने अपने शिफ्ट पे चले जाते हैं। हम अभी फाइल वर्क करते हैं उन पेशेंट की जो ज़्यादा सीरियस होते हैं, मिडनाइट में जिनको नीड पड़ती है मेडिकेशन की, जिनको केयर की पड़ती है, जो कि हाइपरटेंशन पेशेंट होता है, उनको हमें रेगुलरली बीपी चेक करना होता है, उसको मेडिकेशन अच्छी तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। ये जो ये सारी फाइल्स है ये उन पेशेंट की फाइल्स है जिनको मिडनाइट में भी मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है और बाकी जो रेस्ट ऑफ पेशेंट्स है वो सारे सो गए हैं और उनको अब सुबह मॉर्निंग में ही मेडिकेशन लगी। कभी किसी इंटर्नशिप स्टूडेंट को नींद पड़ती है 2-3 बजे, हम उसको तंग करने चलते हैं, हम उसको नींद करने नहीं देते। क्या सो गए तुम? हाँ चल चले, हम चलते हैं। अभी का टाइम हुआ है, उन्होंने बताया अभी का टाइम क्या हुआ है, अभी आप स्टिल वर्किंग और 3:30 है, 3:35 बज रहे हैं। पीछे स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं और मैम ने अपना पेपर वर्क कर ली और मैंने भी काम, मैंने क्या किया अभी ये सबका बीपी चेक करने गया था क्योंकि एक अंकल है जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, इज अ हाइपरटेंशन पेशेंट, बट फिर मैम ने कहा कि आप सबका ही एनालाइज कर लो, फिर ये करके आया ना, अब ये थक चुका है क्योंकि अभी तक केस सारे भर रहा था। मैं ही नहीं, ये जो हम लोग भी थक चुके हैं, अभी हमें फिर से मेडिकेशन करनी है सुबह सवेरे और अभी टिल 7 AM तक हमें जागना है बिकॉज इट्स आर नाइट शिफ्ट एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेक टिल 12 hours। सो मतलब यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं है कि हम चाय पी सके, कॉफी पी सके, थोड़ा बूस्टर ले सके, एनर्जी दे सके, और हम इतने पगलेट है कि हमने खाने के लिए भी इतना कुछ नहीं लाया, पर देखते हैं, हमें अभी भूख भी लग रही है और यहाँ कुछ ऐसा है भी नहीं कि हम कुछ खा सकते मेडिसिन के अलावा, देखते हैं क्या होता है। कौन सी वाली? न्यू पेशेंट आया है, न्यू पेशेंट, न्यू पेशेंट एमरजेंसी शूट है, नहीं सर नाइट भर काम होता है यहाँ पे, कभी एमरजेंसी में कोई पेशेंट आया उनको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, कभी अभी भी कोई गायनी से पेशेंट आया यहाँ पे उनको फिर से मेडिकेशन करनी है, हमें यहाँ पे सोना नहीं बस जागना ही है रात भर, सबका हाल कुछ बुरा है और अभी 2 स्टूडेंट सो के आए, उनको हमने बोला कि चले जाओ बिकॉज हमने शफल किया था कि उन्हें रेस्ट करना था। सो अभी हमें अपनी इस नाइट शिफ्ट के बाद मॉर्निंग में हम 7 बजे जाएंगे और हमें 2 बजे फिर से इवनिंग शिफ्ट करने आना है। इट्स सो स्ट्रगलिंग फॉर अस, मेडिकल लाइफ ही ऐसी है। सो अभी देखिए अब वी आर वेरी प्राउड एंड वी आर बिलोंग्स फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, बट लेट्स सी क्या होता है, कैसे हम इवनिंग शिफ्ट करने आते हैं अपनी नाइट शिफ्ट के बाद बिकॉज एनी गैप। सो अब कल मेडिकेशन करनी है, कल दिखाएंगे आप मॉर्निंग में आपको मेडिकेशन कितने बजे होगी टाइम के साथ, अभी 4 बजे कितना 3:30 हुए ना, 3:30 हुए, तो कल अब दिखाएंगे, कल नहीं आज ही दिखाएंगे 2 घंटे के बाद, अभी दिखाएंगे 2 घंटे के बाद आपको कि मेडिकेशन होगी अब मॉर्निंग वाली। तो चलो फिर मिलते हैं सुबह। ये ग्रुप बड़ा शातिर है हमारे क्लास का, इन्होंने ब्लैंकेट लाई थी 7 नाइट में पावर नैप लेने के लिए, बट कैसे ले सकते हैं, सौरभ सर जैसे सुपरिटेंडेंट जो प्रेजेंट हो गए नाइट शिफ्ट में। ये हैं हमारे क्लास की आस्त्रा जी जिसको किताबों से कम नींद से ज़्यादा प्यार है, और ये है अमीशा जी जो कभी सोती ही नहीं, और ये है किरण जी जो सिर्फ हंसती ही रहती। हम लोग काम करके बहुत थक चुके हैं,
तो अभी शायद हमारे लिए कुछ स्नैक्स लाया है, तो नाउ इट्स स्नैक्स टाइम। और आप सभी सोच रहे होंगे कि शायद हमारे साथ हमारे वार्ड में कैसे, बट जो हमारे नाइट सुपरवाइजर हैं सौरभ सर, उन्होंने शाहिद को भी हमारे साथ मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, सो इसलिए अब हम 5-5 स्टूडेंट हर एक वार्ड में हैं। सो पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद हम आगे का कुछ बताएंगे, है ना शाहिद? अभी यहाँ पे हम इसलिए धीरे से बात करें, पेशेंट सो रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, मैम भी अपने काम कर रहे हैं, फाइल्स फिल अप कर रहे हैं। इस लड़के ने अभी भी कुरकुरे नहीं खाए, अभी भी हमें पॉपकॉर्न खिला रहा है। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के सुबह के 3:30, और एज यू कैन सी कि हमारी आंखों में किसी नींद है, बट वी आर वेरी अनलकी कि हम अभी सो नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर इन नाइट शिफ्ट एंड वी हैव टू बी लाइक स्टिल अवेक फॉर ट्वेल्व आवर्स। सो मैं दिखा देती हूँ ये लोग 3:30 क्या कर रहे हैं। वो अभी उठ के आया है, वो 4 आवर्स तक सो चुका है, उसने अपनी नींद भी पूरी कर ली है, बट हम लोग नहीं सोए हैं। और अभी दीदी शाहिद गया था सबका बीपी चेक करने, और अभी वो थक गया है क्योंकि वो कब से अपनी केस बुक भी भर रहा है, और ही इज इग्नोरिंग मी, ही इज वेरी बिजी। हम लोगों को अभी फिर से भूख लगी है क्योंकि हमें खाना खा के भी 5 आवर्स हो चुके हैं। और गाइस कैसा लग रहा है, नींद आ रही है सबको? बहुत 3:30 हो चुके हैं और आप इसकी आंखों में देख सकते हो, और मैम भी अभी तक अपना पेपर वर्क कर रही है। मैम से हाय, और उसकी टाइम खत्म हो चुकी है, वो सो के आया है। अभी सुबह के 6:30, अभी सुबह के 6:30 और हम अभी 6:30 में, और हमें मेडिटेशन करनी है और सबके वाइटल्स देने हैं मॉर्निंग के 6:30। सो कल रात को भी हमें मेडिटेशन की और वाइटल्स दी, और अभी भी हमें वाइटल्स और मेडिकेशन करनी है। अभी हम मेडिकेशन करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे वापस मॉर्निंग के मेडिकेशन। मेरे हाल कैसे? बहुत बुरे, बहुत बुरे। चले दो पेशेंट का बीपी लेना और फिर दिख रहा है आपको।
सो फाइनली हमारा नाइट शिफ्ट कंप्लीट हो गया, अभी का टाइम हुआ है 7 AM और मॉर्निंग हम मेडिकेशन की है, अभी हमें निकलना है। ये स्टूडेंट भी निकल रहे और वहाँ से सारे स्टूडेंट चले गए और अभी हमें जाना है। गाइस हमारी हेक्टिक भरी नाइट शिफ्ट हो चुकी है खत्म, 12 hours आज से हमारी नाइट शिफ्ट खत्म है और अब हमें 2 बजे आना है इवनिंग शिफ्ट के लिए। हाँ, अभी हमें फिर से शिफ्ट है, 6 घंटे सोने के बाद हमें फिर से शिफ्ट है और देखते हैं कि हम कैसे शिफ्ट पे आते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, हम जाते हैं, सत श्री अकाल। एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे, सब्सक्राइब द चैनल जिसने नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब फॉर मोर ब्लॉग्स, बेल आइकन को भी दबा दे फॉर ऑल अपडेट्स। चलो फिर हम चलते हैं, ये जाएंगे हॉस्टल और मुझे जाना अपने रूम। बाय बाय गाइस।